सवाल हो तो देख लिया जाए। देखो एक क्वेश्चन है, अब देखो हुआ है कि नहीं हुआ है। एक पैरेट वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात है। बोलो नहीं हुआ तो पेपर में है कि नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि हम जो भी पढ़ाते हैं तो हम किताब में देख के नहीं पढ़ाते, किताब में कितना लिखा है वो पढ़ाना है। हम पहले ही क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड परीक्षा में क्या पूछा गया, नीट में क्या पूछा गया, जेई में क्या पूछा गया, उसको देखने के बाद फिर आपकी पढ़ाई होती है। जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डेंस आपके नोट में अपने आप वो आंसर आता चला जाए। अब जेई के क्वेश्चन से मिलाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा, बोर्ड से मिलाएंगे, नीट से मिलाएंगे, कहीं से मिलाएंगे मिल जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन हमें पता है पहले से। तो आप देखिए ये क्वेश्चन आपका 2022 की बोर्ड परीक्षा में है, एक क्वेश्चन ये कैरेक्टर से आपको मिला। अब देखा जाए कोई और भी है, एक क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें पूछा, अब आपको देखिए आपका पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। अभी चैप्टर बहुत ज़्यादा ये चैप्टर नहीं पढ़ेगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए जबकि उसकी प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पट्टी रखी जाती है। परावैद्युत पट्टिका के स्थान पर धातु की प्लेट रखने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना। क्या तो अब संयोग से आठ किला पढ़े हुए उसी के लास्ट में स्टार बनाती है, क्वेश्चन ही लिख दीजिए, यही लिख दीजिए इसी के लिए। यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत के स्थान पर धातु की प्लेट रख दिया जाए तो संधारित्र तुरंत ही निरावेशित हो जाएगी। और विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए और विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। तो अभी आपने देखा किस पेपर में 5 और 1 इस कैप्टर वाले चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन हो गया, 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। समझ गए? और भी कोई लाया पेपर?
हमने कहा था साहब पेपर आपको मिल जाएगा, जो बच्चे 12 पास आउट हैं उनके पास इंसान होगा, उनसे मांग लेंगे। लेकिन अभी मोबाइल मांगना हो तो मांग लेंगे, और कुछ मांगना हो तो मांग लेंगे, लेकिन साहब पेपर तो नहीं मांगेंगे। बोलो, क्योंकि आपकी जरूरत की चीज़ है ही नहीं, 10 रुपया उधार मांगना है मांग लेंगे, सही है ना? बोलो, अच्छा तो आप पेपर मांग लेंगे तो फिर उधार लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी, और तब किसी पर आश्रित होने की जो जरूरत है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब इंसान पेपर नहीं देखेंगे, नहीं मांगेंगे, तो जीवन भर उधार ही मांगेंगे। इसका ध्यान रखिए, हमेशा दूसरे पर आश्रित रहो। ये देखिए 2023 का पेपर है, इसमें देखा जाए कैप्चर में कोई सवाल आया कि नहीं आया। बात न करें, जो लोग एक्टिव नहीं है वो कतई बात न करें। आप साल पेपर नहीं ले आए, पेपर नहीं ले आए, इसका मतलब आप एक्टिव नहीं है, तो शांत शांत बैठे रहें, इतने ही इस देश पर एहसान कीजिए। देखो 5 नंबर का एक सवाल मिल रहा है, आंशिक रूप से पड़ा वैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। अभी कल जो आर्टिकल पढ़े हैं 5 नंबर का ये पूछा हुआ, ठीक है ना? तो इसमें फिलहाल एक ही क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है, और वो आपका हो भी चुका। और कोई लाया? ये कहाँ का पेपर है? कुशीनगर वाला। इसमें तमाम लोग देवरिया में भी रहने वाले हैं, देवरिया का पेपर अलग है, वो भी ला सकते थे आप, लेकिन जागरूक नहीं है, ये दुखद है आपके लिए और इस देश के लिए। हो गया भाई, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और पेपर मिल गया, 2023 का ही दूसरा शिक्षक, इसमें भी लिख लिया जाए तो कोई सवाल है कि नहीं है। देखो पहला सवाल ये है, 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थिति ऊर्जा क्या थी, ठीक है, एक नंबर का ये सवाल है। और इस चैप्टर की बात किया गया, एक और सवाल आपको मिल रहा है 2 नंबर, 200 वोल्ट के विभव पर, विभव पर आधारित सवाल है, 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है, उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। ये वैद्युत विभवांतर और तार के बीच जो संबंध है उस पर आधारित सवाल है। ये हो गया W = V = क्यों पर आधारित क्वेश्चन है, अभी इसको करा भी देने में थोड़ी देर दिया जाए। इस चैप्टर के सवाल वो भी माना जा सकता है 2 नंबर का, तो 2 और 1 हो गया 3 नंबर। अब देखिए 5 नंबर का एक सवाल और है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। पढ़े नहीं पढ़े? दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। ये सवाल अभी जस्ट इसके बाद आप जब जैसे ही कम्बिनेशन पढ़ेंगे संधारित्र का जोड़ना, वैसे ही वो सवाल अपने आप कर लेंगे आप। तो 6 और 3 कितना हो गया? नहीं, 5 और 3 8 नंबर का सवाल
आपको इस पेपर में भी मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप करेंगे, तो आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, पेपर लाएंगे, उससे आपको फायदा मिलेगा, उस अध्याय के विषय में जानकारी होगी, कितना वो महत्वपूर्ण है, कौन से सवाल महत्वपूर्ण है, और वो सवाल भी होते चले जाएंगे, ठीक है। निष्क्रिय होकर पढ़ाई नहीं करना, निष्क्रिय होकर पढ़ाई करेंगे तो आप ऐसे पढ़ते पढ़ते फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत से लोग हो गए, तो इसका ध्यान दीजिए। हर साल पेपर कल जरूर आप कहीं ना कहीं से इंतजाम करिए, कोई कोई जरूर मिल जाएगा। सब पेपर लेके अपने पास बैठिए और सारे सब्जेक्ट का, एक ही सब्जेक्ट का नहीं, जितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं सबका लेके बैठे, तभी हो पाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र इसमें दो संकेंद्रीय, दो संकेंद्रीय उपले गोले, उपले गोले होते हैं, जो एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं करते, एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं करते, एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श, हो गया। भीतरी गोले को वैद्युत स्रोत से, भीतरी गोले को वैद्युत स्रोत से, जबकि बाह्य गोले को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, हो गया। हो गया ना, नीचे से लिखो, माना गोली संधारित्र में, गोली संधारित्र में आंतरिक एवं बाह्य, आंतरिक एवं बाह्य गोलों की त्रिज्याएं, स्मॉल ए एवं स्मॉल बी, स्मॉल ए एवं स्मॉल बी, तो क्या संधारित्र को दिया गया आवेश स्मॉल क्यू, संधारित्र को दिया गया आवेश स्मॉल क्यू है, हो गया। तो अब देखो, किसी भी संधारित्र के धारिता का सूत्र क्या होता है, जब देखो लोग
तीन बड़ा भुगतान होता है ठीक होता है। सब लोग फोन में बोल पा रहे हैं, सब लोग बोल नहीं पा रहे हो। आपको बताया गया था, कई बार बताया जा चुका कि आप फार्मूला याद रखें और फार्मूला बताने का तरीका भी बता दिया गया था QCV। और इसमें कई बार हम बता रहे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, ऐसे लोग थोड़ा यहाँ आने से बच जाए। बार बार हम कह रहे हैं यहाँ आने से आप बच जाए, बहुत सी कोचिंगें चल रही हैं, आप जाइए आराम से पढ़ाए, यहाँ आने से बचिए। यहाँ देखो हमने बताया था तरीका QC और V, यही तीन ही क्वांटिटीज इस पूरे चैप्टर में चलेंगे, बस तीन ही। और जितने सूत्र होंगे लगभग इन तीनों से रिलेटेड ही होंगे, मतलब आपस में रिलेशन होगा। और उसके बाद बाकी आप देख रहे हैं अलग अलग संधारित्र के लिए C अलग अलग है, बस बाकी इन तीनों का रिलेशन। तो अब देखो हमने बताया था कि Q C2V जैसे कि लिखा है Q C2V, C = Q/V, V = Q/C। अब अगर हम ये बता रहे हैं कि आप ऐसे फार्मूला याद रखिए, फिर भी आप याद नहीं रख रहे हैं, तो हमारे ये बताने का कोई मतलब नहीं निकला, तो आपके यहाँ आने का भी मतलब नहीं निकला, तो आपको यहाँ आना नहीं चाहिए। जहाँ ये ना बताया जाए वहाँ जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो बताएगा वो चाहेगा कि फार्मूला बताए। तो यहाँ आप आएंगे तो यहाँ आपसे उम्मीद भी रखी जाएगी, हम भी कुछ बताएंगे तो हम भी चाहेंगे कि आप भी कुछ सीखें और जरूरत पड़ने पर बोलें। नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आदत नहीं है, तो आप यहाँ से छोड़ें, दूरी बनाएं, कहीं और जाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आइए देखिए तो C = Q/V होता है, तो क्यों तो हमें पता ही है, बस हमको क्या चाहिए, बस। अब इन दोनों के बीच का विभवांतर एक तरह से है, प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब इस प्लेटों के बीच का विभवांतर है क्या, देखो अब इसमें दो गोले हैं, एक गोले की त्रिज्या कहा गया इस वाले है भीतरे वाले की, और बाहर वाले की जो त्रिज्या है वो इस वाले की। तो अब एक फार्मूला यहाँ और काम आएगा, अगर हम कोई गोला ले लेते हैं ध्यान से समझना है, ऐसे कोई गोला ले लेते हैं और इस गोले की त्रिज्या आर, अब इसे आवेशित कर दिया जाए, तो इस गोले के कारण अगर ये गोला खोखला है, अगर ये गोला चालक है, तो हर हाल में इसके कारण जब इसे आवेशित करेंगे तो इस पर जो आवेश होगा इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जैसा कि आप इसे पहले भी देख चुके हैं गॉस थ्योरम में। ठीक है, और दूसरी बात देखो, जब हम यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसका फार्मूला बनता है A Q/R। जब हम विभव निकालते हैं तो विभव का फार्मूला बनता है A Q/R, समझ गए। तो आप जरा सोचो इस पहले वाले गोले की वजह से विभव कितना होगा, तो ये आपका हो गया V1। ठीक है, अभी हमने कहा कि स्मॉल के और ये हो गया क्यों होता, दूसरा जो है V2 इसके वजह से। अब ध्यान देना है इसके अंदर ही आपको निकालना था, तो दूसरे वाले की वजह से जब हम निकालेंगे तो इसकी त्रिज्या R है, तो ये क्या बन जाएगा K, और Q/T क्या बन जाएगा T, दूसरे वाले की त्रिज्या भी है। ठीक है ना, और विभवांतर के रूप में हमें कुल विभव निकालना पड़ेगा, और ये होगा V1। और V1 का मान है K Q/A + K Q/B। अब इसके का मान कर दीजिए क्योंकि जरूरत नहीं करेंगे, 4π/4π। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 1π/4π, यहाँ भी हो गया 1π/4π। अब इसमें कुछ कॉमन है, 1/4π - -1π, और क्यू को हमने ले लिया बाहर, ये माइनस आवेश है ना, पहले वाले जो प्लस क्यू आवेश है तो दूसरे वाले प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है, ऐसा मिल जाए। अब इसको हम लोग हटा लेते हैं, तो जब हटाएंगे
देखो क्या मिला, वन अपॉन फोर पाई एल साइलम था, और हटाने के बाद एल सी एम आपको मिल गया, ये भी बन गया छूटा हुआ है, और ये बन गया समीकरण नंबर एक। अब यहाँ लिखेंगे कर लीजिए, भीतरी एवं बाह्य गोलों के पृष्ठ पर विभव, भीतरी एवं बाह्य गोलों के कारण देख सकते हैं विभव या पर विभव, ठीक है। तो क्रम से ये हो गया, पहले भीतरी वाला हो गया, बाद में ये बाहरी गोले से हो जाता है, और यहाँ पे आपने लिख लिया कुल विभव, क्या लिखा कुल विभव। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक पहुंच गए, नोट कर लिए ना, यहाँ देखिए ये लाइन नोट कर लीजिए जो आपने बताया, आंतरिक एवं बाह्य गोले के कारण विभव, आंतरिक एवं बाह्य गोलों के कारण विभव। अब यहाँ ये हम इस संधारित्र की वैद्युत धारिता का जो फॉर्मूला है वो है C = Q/V, ठीक है। अब जो Q का मान है और V का मान रख दीजिए, तो C = Q/5, ये देखो 1/4πε0 Q, और ये हो गया V - A/AV, बोलो हो गया ना। अब ये क्यों से क्यों कट गया, तो C बराबर क्या, ये ऊपर चला गया 4πε0, और ये ऊपर चला गया AV/D-, तो आपने देखा कि जो गोली संधारित्र की धारिता है वह केवल आंतरिक एवं बाह्य गोले के त्रिज्या पर आधारित, ठीक है ना। जल्दी से पूरा कर जाइए, किसी स्टेप में कोई समस्या हो तो सब कुछ। ये वाला हो गया, पहले इसको कर लेते, उसमें कोई दिक्कत हो तो पूछो जल्दी से। देखो इसको एक बार इसे देख लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, तो उसे क्या होगा, तैयारी होगी, तैयारी अगर करना है तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही पहला क्वेश्चन, देखो ध्यान से। तो अभी भी देखो कुछ लोग तो जागरूक हो गए, जो जिनका माइंडसेट थोड़ा सा ठीक होता है, मतलब उसमें सब इंसानी लक्षण होते हैं, वो जो अच्छी बातें होती हैं तो समझ जाते हैं, जैसे कुछ भी जो भी अच्छा हो जिन्हें कहा जाए पढ़ाई थोड़ा बढ़िया करेंगे थोड़ा जाते करेंगे, तो वो तुरंत उनके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा और वो पढ़ाई पर लग जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में कुछ राक्षसी शक्ति आ जाती, उनको जितनी अच्छी बात आप बताए उतने ही वो हंसेंगे और उस काम को नहीं करेंगे, तो उससे उनको ये नहीं पता कि केवल और केवल तुम्ही का नुकसान होता, बाकी किसी और का नहीं होता, इसका हमेशा ध्यान रखिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको करने आ जाएगा तो उससे फायदा किसका होगा आप बताओ, बोलो जल्दी, तो आपका फायदा होगा। तो अगर आप ये बात समझ नहीं पाए तो राक्षसी शक्ति आपके अंदर है कि नहीं है, तो एक दिन आप राक्षस बन के तैयार होंगे, समाज का राक्षस, सारे गंदे काम आप करेंगे और आपकी मजबूरी होगी क्योंकि आपको खाना खाना है। एक नेता आएगा 500 का नोट दिखाएगा और कहेगा कि ऐसे ऐसे करो, आप वैसे ही वैसे करें क्योंकि वो 500 का नोट आपको। लेकिन जो कामयाब हो गया जिसके पास नॉलेज है वह नेता के 500 के नोट के चक्कर में कभी नहीं आएगा। आप देखते हैं एक नेता जब आता है, अभी इतनी धूप है ना,
अभी कोई नेता आ जाए, अब आप उस नेता के पास क्यों जाते, पूरी भीड़ क्यों जाते? अब वो जमाना बहुत दूर चला गया, गांधी जी आए हैं ऐसा सुन के 3 दिन पहले से लोग पैदल चलना शुरू कर देते थे बिना खाए पिए भूखे प्यासे, और वहाँ जाके गांधी जी को सुनते थे, और सुनने के बाद उनका उनको चेंज हो जाता था, उनका माइंड सेट ही बदल जाता था एक बार सुनने के बाद, क्योंकि गांधी जी वैसे सो के उठे और बोलना नहीं शुरू कर देते। गांधी जी ने पढ़ाई किया था, लंदन जाके पढ़ाई किया और बहुत रिसर्च किया, उसके बाद बहुत सोचा बहुत समझा, तब उनके पास कुछ नॉलेज आए, कुछ विचार आए, उन विचारों को सुनने के लिए लोग जाते थे। आज नेता की रैली में भीड़ क्यों होती है बता दीजिए, बताओ जल्दी, कौन नेता है जिसके विचार सुन के आप एकदम आपका वहाँ बदल जाएगा आपका माइंड सेट? आज अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो उस नेता की बात सुन के कल से शुरू कर, ये फायदा हो। लेकिन जाते क्यों हैं? पैसे। आप कभी भी जब कोई रैली वगैरह होती है वहाँ जब लोग निकलते हैं उसको बसों में घर घर के लाया जाता है, वहाँ उनको मजदूरी दी जाती है भरपूर, 1 दिन की मजदूरी, खाने के लिए खाना दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, इसी लालच में वो चले जाते हैं, नारा लगाते हैं, फिर घर आते हैं सब भूल जाते हैं काम खत्म, ठीक है? तो अगर आपको यही करना है जीवन भर तो सवाल ना पूछिए, हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं, आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं, 7-8 साल के बाद आप लोग बात सोचिएगा, रैली ही आपके काम आएगी, दूसरा कुछ आपके काम आएगा। हमेशा चाहेंगे कोई नेता आता, इलेक्शन आ जाता, आप क्या सोचेंगे? हमेशा इलेक्शन हमेशा रहता तो बड़ा फायदा होता, क्योंकि रोज आपकी कमाई बनी रहेगी, पर डे खाने का इंतजाम हो जाएगा, जैसे इलेक्शन खत्म होगा वैसे परेशानी बढ़ जाएगी, इसमें पता करिएगा, आपके अगल बगल बहुत से लोग हैं इलेक्शन नहीं है बहुत परेशानी में, जैसे इलेक्शन आएगा आप देखो उनका, ठीक है? सवेरे एक नेता पैसा लेते हैं, दोपहर को दूसरे से लेते हैं, शाम को तीसरे से लेते हैं, और उनका चल पड़ा पूरा उनका जीवन कट जाता है जब तक इलेक्शन। तो अगर आप यही करना चाहते हैं तो वहाँ सवाल की जरूरत नहीं है, और जब सवाल आपके आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आ जाएगा तो आपको किसी नेता की जरूरत, याद रखिए हमेशा। ये क्वेश्चन है आपका 5×10⁻⁸ तथा 3×10⁻⁸ के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, अनंत पर विभव शून्य लेगी, ठीक है? ये सवाल NCERT बुक का पहला है, आप सवाल को नोट कर लीजिए, इसमें गलत लिखा हुआ है, एक आवेश शायद माइनस है, आप जरा कौन वाला, दूसरा वाला माइनस, ठीक है? तो देखो हमको याद है कि नहीं है, अब इससे बड़ा सबूत कुछ चाहिए आपको? हमने किताब देखा, क्वेश्चन बताते बताते तो हमने एक माइनस हो गया, दोनों माइनस, एक माइनस। अभी हम बता रहे हैं क्यों ऐसा होगा, एक जब दोनों माइनस होगा तो आंसर तभी आंसर आएगा, लेकिन आवेशों के तब बीच में अभी तो नहीं होगा, तब बाहर होगा, ठीक है? और एक प्लस एक माइनस होगा तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में, बस ऐसा है। सवाल कोई भी हो सकता है, लेकिन बुक वाले से मुझे जहाँ तक जानकारी है एक प्लस है और एक माइनस है। अब सवाल ये है, ये एक कितना दिया है, 5 μC का चार्ज है, दूसरा 3 μC का चार्ज है जो माइनस है, ठीक है? अब ये कह रहा है कि ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, क्लियर हो गया? अब कह रहा था उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जहाँ पर वैद्युत विभव शून्य है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई बिंदु है जो पहले वाले से x दूरी पर है, यहाँ पर तो वैद्युत विभव शून्य है, तो इसका मतलब कुल विभव शून्य है, क्योंकि यहाँ पे कितने विभव बनेंगे, जब हम कुल विभव निकालेंगे यानी दोनों को जोड़ेंगे तो शून्य आना चाहिए। तो हम देखिए, अगर ये वाली दूरी x हो गई तो ये वाली दूरी कितनी होगी, 16 x हो जाएगी, तो डाउट हो तो बताएंगे, आगे जब हम बढ़ेंगे तो ध्यान से देखें। अब यहाँ पे दो विभव V1 और V2, तो यही कह रहा है
कुल विभव कितना है, शून्य है, यानी वी बराबर जीरो है और वी किसके बराबर है, विभव और विभव किसके बराबर है, इस 5 माइक्रोकूल के वजह से आवेश, ठीक है भाई, ये विभव, तो ये होगा 9 × 10^9 विभव का फॉर्मूला है ना, ए क्यू हो गए, तो के चाहे तो के लेकिन ये देखो ये अपने कॉलम में लिखा हुआ है तो सैद्धांतिक रूप से गलत हो रहा है, जबकि गलत लिखेंगे तब ये आंसर आ जाए, लेकिन गलत हो रहा तो आपको क्या करना चाहिए, 10^-2 से गुणा करना चाहिए क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। आगे बढ़ेंगे तो प्लस, अब ये हो गया k, दूसरा वाला आवेश माइनस के साथ है, आपको पता है कि विभव अदिश राशि है इसलिए इसमें माइनस प्रयोग किया जाएगा, याद है ना, और सदिश में माइनस की वजह से दिशा बदलती है इसलिए उसमें माइनस प्रयोग नहीं आता, तो ये हो गया आपका 16 − x और ये भी सेंटीमीटर में है इसलिए इसको भी 10^2 का गुणा होगा, ये हर जगह खत्म हो गया, बोलो 10^2 खत्म हो गया, नहीं बताएगा, यहाँ भी जो यहाँ यहाँ दोनों है हर जगह से खत्म, बचा क्या है 5/x माइनस 3/16 − x, इसके अलावा कुछ नहीं बचा, जो दोनों जगह है उसी से डिवाइड करेंगे कट जाएगा खत्म हो जाएगा। अब देखो तब आप लिखेंगे 5/x बराबर 3/16 − x, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा, चलो देखो, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो आप देखेंगे ये हो गया 3x और ये बराबर 80 − इसको ले आओ इधर, 8x हुआ कि नहीं हुआ, इधर आके प्लस हो जाएगा, 8x बराबर 2x बराबर 10, यानी 5 माइक्रोकूलम के आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। लेकिन अब अगर कहीं ऐसा हो जाए दोनों माइनस दोनों प्लस और बीच में शून्य नहीं हो, कोई डाउट है किसी को, तो ऐसे सवाल है, इन्होंने पूछा और बाकी लोग बैल के तरह से बैठे हैं तो सवाल वाल से कोई मतलब नहीं है, इसका ध्यान दीजिए, आपसे कहा गया था कि एक महीने में एक हफ्ते में कम से कम अपने आप को एक बार तो पूछ लो कि आपका क्या हो, क्वेश्चन पर डे पूछने की आप कोशिश कीजिए, नहीं पढ़ने हो पा रहा है तो हफ्ते में तो पूछो, तमाम लोग ऐसे हैं साल भर क्वेश्चन नहीं पूछते और वही फेल होते हैं, लिख लीजिए, लिख के रख लीजिए, बाकी 200, 300 जो फेल होते हैं वो कौन होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई नहीं, ठीक है चलिए आगे फिर कब मिलेगा।